प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनावों में एक रैली के दौरान कहा था कि बिजली होली दिवाली में मिलनी चाहिए, रमजान के अलावा होली दिवाली में भी मिलना चाहिए। जी हां, हम आपको बता दें, अब उनकी पार्टी के एक विधायक संजय गुप्ता ने जो बयान दिया है, बयान क्या, किसी को धमकाया है बिजली अधिकारी को, और वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अविनाश सिंह को फोन पर धमकाया और कहा है कि धार्मिक आधार पर बिजली चेकिंग का डेटा तैयार करो। संजय गुप्ता का मानना है कि 90% मुसलमान बिजली चोरी करते हैं। फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। विधायक संजय गुप्ता धमका रहे हैं बिजली अधिकारी को कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर हिंदुओं को छोड़ना शुरू नहीं किया तो वो या तो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर करारा सबक सिखाएंगे। आपकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन सेट पर, उस शख्स की तस्वीर, उन महानुभव की तस्वीर जो ये बयान दे रहे हैं कि 90% बिजली चोर मुसलमान होते हैं। नहीं, FIR किसका किसके लिए भेजी है? एक नरेंद्र कुमार के नाम से भेजी है सर। क्या आरोप है उनके ऊपर? सर, ये मीटर लगा हुआ था, मीटर के बगल से, मीटर में केबल जुड़ा हुआ नहीं था, डायरेक्ट यूज कर रहे थे। देखो यार अविनाश जी, एक बात आ गए, आप राजस्व बढ़ाने के लिए सुधारात्मक खूब कार्रवाई करो। जी सर, जी सर। दमनात्मक कार्रवाई करोगे, आपकी ऐसी की तैसी और विभाग की ऐसी की तैसी, मैं सबको ठीक करूंगा और जाके मुस्लिम बस्ती में, पहले सुनो मेरी बात, पहले मुस्लिम बस्ती में जाइए अभी से, पूरी बिजली 90% चोरी वो करते हैं, जाइए वहां पे पहले जाके चेक करिए और कितने मुस्लिमों के खिलाफ FIR तारिक ने करवाई है, तुमने करवाई, उसका डेटा मुझको दीजिए, मैं लखनऊ बात करूंगा शासन में, खाली हिंदुओं को प्रताड़ित करते हो तुम लोग, कितने चेक किए मुस्लिमों को और बिजली चोरी कर रहे हो। और मुख्यमंत्री योगी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी दो वजह है। धार्मिक आधार पर आप विद्वेष पैदा तो कर ही रहे हैं, इस बयान से स्पष्ट है, मगर दूसरी बड़ी बात, एक सरकारी अफसर को उसका काम करने से न सिर्फ आप रोक रहे हैं, आप धमका रहे हैं। ये कैसा रामराज्य भाई, किस तरह का रामराज्य है ये? फोन पर धमकी देने के बाद विधायक समर्थकों के साथ बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए। जी हां, यहां तक नहीं रुके वो, वहां गेट पर पहुंचकर धार्मिक आधार पर डेटा मांगने लगे तो दफ्तर में कोहराम मच गया। मैंने इनसे पूछा उस दिन, आप हिंदू समाज के यहाँ खूब जाते हो, ठीक है, आप जाओ, मैं मना नहीं करता, मगर आप मुस्लिम समाज के यहाँ क्यों नहीं जाते? जो ये जनता का जवाब, जनता का जो आरोप है, आरोप यही है ना कि बैलेंसिंग में कार्रवाई नहीं हो रही, वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। मैंने जनता की आवाज को उनके तक पहुंचाया है, आज मैंने उसे डेटा प्राप्त किया है और मैं आपको बता दूं, दुर्भाग्यपूर्ण जो उन्होंने डेटा दिया है, भरवारी के अंदर अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, एक भी वर्ग विशेष के यहां न चेकिंग हुई, न वहां पे कोई कार्रवाई हुई। और विधायक की इस करतूत और अफसर को दी गई धमकी के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारी अब धरने पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तुरंत मुझे फोन किया और फोन पे पूछने लगे कि दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ कितना FIR आपने कराया आज तक, और उनके वहां कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हमेशा हिंदुओं को वहीं क्यों होती है, और मेरे रिश्तेदारों को वहीं क्यों होती है, मेरे सपोर्टर को वहीं क्यों होती है? उन्होंने कहा कि कभी भरवारी में चेकिंग मत करिएगा, FIR मत कराइएगा। इससे मैं बहुत आहत हूँ और उन्होंने मेरे खिलाफ घूस लेने का और अनैतिक काम करने का भी प्रेशर बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि आप FIR वापस ले लीजिए, अगर आप FIR वापस नहीं लेंगे तो आपको मैं देख लूंगा। कितना बांटिएगा आप लोगों को, आप एक सरकारी अफसर को उसका काम करने से रोक रहे हैं और फिर आप देश में या प्रदेश में रामराज्य की बात करते हैं। हम सीधे रुक करना चाहेंगे इलाहाबाद का, एबीपी न्यूज संवाददाता मोइन मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोइन, मुझे एक बात बताइए, क्या विधायक महोदय के इस बयान में कोई तर्क है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है कि 90% चोरी जो है वो मुसलमान करते हैं बिजली की? जी बिल्कुल नहीं, दरअसल ये पूरा मामला इस तरह से है कि विधायक के एक करीबी के खिलाफ बिजली विभाग ने कार्रवाई की, अपने उस करीबी को बचाने के लिए विधायक ने सारे घोड़े फोड़ दिए, सारे दांव आजमाए, और जब बिजली विभाग के अफसरों ने उनको ये बताया कि नहीं, ये पूरी तरह मामला सही है, पूरी तरह ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जा रही है, तो विधायक जी उसे मानने को तैयार नहीं हुए
और उन्होंने बेतुका बयान दिया, ऐसा बयान जो किसी को हजम होने वाला नहीं है। बिल्कुल मोइन, मोइन मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं आपको। तो देखिए, जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि वो हिंदुत्व के समर्थन में या हिंदुओं के समर्थन में आए, ये भी सही नहीं है। दरअसल वो अपने किसी रिश्तेदार या अपने जानकार के पक्ष में आए हैं, यानी कि यहां पर एक भाई भतीजावाद दिखाई देता है और कुछ नहीं है। इसमें धर्म भी नहीं है, इसमें अवसरवादिता है, इसमें अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल है। जी हां, ताकत का बेजा इस्तेमाल है। मोइन गलत नहीं है मगर इस तरह से बात कह रहे हैं यहां पर? जी जी बिल्कुल, ये सही बात है कि विधायक ने सिर्फ बात को घुमाने के लिए, यानी कि कल को ये बात मामला ये सामने ना आए कि उन्होंने अपने करीबी को बचाने के लिए इस तरीके का वो किया। बाइट ने उन्होंने एक बेतुका बयान दिया, ऐसा बयान जो किसी को हजम करने लायक ना हो, और उस पर वो अभी भी कायम है। कल रात में भी उन्होंने जो बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, थाने पर जाकर रात को भी उन्होंने हंगामा किया, और उन्होंने उस बयान पर अभी भी कायम है। मोहम्मद मोइन शुक्रिया इलाहाबाद से। तो आप देख सकते हैं, भाई भतीजावाद, एक अफसर को उसका काम करने से रोकना और धार्मिक तौर पर विद्वेष फैलाना, ये तीन चीजें साफ तौर पर संजय गुप्ता की कारस्तानियों में सामने उभर कर आ रही है। आप धार्मिक तौर पर लोगों में विद्वेष फैला रहे हैं इस तरह की बात करके, और दूसरी तरफ आप जो है अपने किसी करीबी को बचाने के लिए एक अफसर पर दबाव बना रहे हैं, यह है राम राज्य। क्या कहा था उन्होंने, आइए फिर सुनते हैं। नहीं, FIR किसके किसके लिए भेजी है? एक नरेंद्र कुमार के नाम से भेजी है सर। क्या आरोप है उनके ऊपर? सर ये मीटर लगा हुआ था, मीटर के बगल से, मीटर में केबल जुड़ा हुआ नहीं था, डायरेक्ट यूज कर रहे थे। देखो यार अविनाश जी, एक बात बता दे, आप राजस्व बढ़ाने के लिए सुधारात्मक को कार्रवाई करो। जी सर, जी सर। दमनात्मक कार्रवाई करोगे आपकी ऐसी की तैसी और विभाग की ऐसी की तैसी, मैं सबको ठीक करूंगा। जाके मुस्लिम बस्ती में, पहले सुनो मेरी बात, पहले मुस्लिम बस्ती में जाइए, अभी से पूरी बिजली 90% चोरी वो करते हैं, जाइए वहाँ पे पहले जाके चेक करिए, और कितने मुस्लिमों के खिलाफ FIR तारिक ने करवाई है, तुमने करवाई, तो डेटा मुझको दीजिए। मैं लखनऊ बात करूंगा शासन में, खाली हिंदुओं को प्रताड़ित करते हो तुम लोग, कितने चेक किए मुस्लिमों को, चोरी कर रहे हो। तो माननीय विधायक जी को नाराजगी इस बात की नहीं है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस बात की बिल्कुल नहीं है। उनका कोई करीबी है जो बिजली चोरी में पकड़ा गया, और जब अधिकारी ने उन पर काम किया तो इनका यह आक्रोश सामने उभर कर आ गया, और आक्रोश के जरिए वो धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं, काम करने से एक अधिकारी को रोक रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी ऐसे महानुभव पर कार्रवाई करेंगे? ये है ABP News, आपको रखे आगे।